मिस्टर। बच्चों हमने बैंकिंग कंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट शुरू की हुई है, मैंने आपको दो फॉर्मेट एक्सप्लेन भी किए हैं इससे पहले के वीडियो में। आज मैं आपको ये जो प्रॉपर फॉर्मेट है वो एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि आपको किस तरह से बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनानी होगी। ऊपर लिखना होगा बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। अब क्योंकि एक पर्टिकुलर डेट भी बनती है इसलिए एज ऐड करके वो डेट लिखनी मिलती होगी आपको। और यहाँ फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट इसके चार तीन कॉलम मैंने बनाए, पर्टिकुलर्स, प्लस आइटम और माइनस आइटम। इसमें स्टार्टिंग कर रहे हैं हम बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक से। अब यहाँ पर सिर्फ बैंक बैलेंस लिखा है या बैलेंस एज पर कैश बुक भी लिख सकते हैं, तो ये कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस होता है, प्लस आइटम। इनमें जो हमें ऐड करना है वो सारी चीज़ें ऐड करनी है जो पासबुक में भी ऐड हुई है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर नीचे देखिए डी पॉइंट में बैलेंस एज पर पासबुक तक हमें पहुँचना हमारा टारगेट बैलेंस एज पर पासबुक है और हम स्टार्टिंग कर रहे हैं कैश बुक से। तो कैश बुक में वो सब चीज़ें ऐड होंगी जो कि पासबुक में भी ऐड हुई है, और जो चीज़ें पासबुक में माइनस हुई है वो सब चीज़ें हम यहाँ पर कैश बुक में से माइनस करेंगे। जैसे कि ये है ऐड में पहली ट्रांजेक्शन है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक में डिपॉजिट हो गया मीन्स ऐड हो गया है, मगर कैश बुक में ऐड नहीं हुआ, रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो अब हम ऐड करेंगे। दूसरा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू हुआ, चेक हमने किसी को दिया, कैश बुक में से माइनस किया था, मगर पासबुक में उसकी एंट्री नहीं है, इसे यहाँ ऐड करके इसको हटाना है, इसे ऐड किया। उसके बाद बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया तो इसको ऐड करना, क्योंकि बैंक ने इंटरेस्ट दिया तो हमारे पासबुक में ऐड किया होगा। डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर इनटू बैंक, एक कस्टमर ने बैंक में जाके पैसा जमा किया तो आप कैश बुक में भी प्लस कर दो। रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक, बैंक ने गलती से ऐड किया है पासबुक में, अब हमें कैश बुक में भी ऐड करना है। ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पासबुक तक पहुँचना है। अब है ये नेक्स्ट वाले आइटम है चेक सेंड टू द बैंक बट नॉट कलेक्टेड और क्रेडिटेड। चेक हमने बैंक में भेजा था मगर वहाँ जमा नहीं हुआ, तो ये माइनस करना है कैश बुक में से क्योंकि बैंक में जमा नहीं हुआ। इसके बाद बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस का मतलब बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसा काटा है तो चार्जेस भी है, तो आप भी माइनस करिए कैश बुक में से। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, बैंक ने प्रीमियम पे किया, आप माइनस करिए कैश बुक में से। डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। एक बिल हमने बैंक से डिस्काउंट कराया था वो डिसऑनर हो गया, कैंसिल हो गया, इसलिए हम यहाँ कैश बुक में से भी माइनस करेंगे। इसके बाद रॉन्ग डेबिट बाय द बैंक, बैंक में गलती से माइनस हुआ है, तो आप भी कैश बुक में से माइनस करेंगे। ये सब प्लस माइनस करने के बाद दोनों साइड का टोटल करेंगे और ज़्यादा वाले पॉइंट में से कम वाले बैलेंस को माइनस करेंगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो होगा बैलेंस एज पर पासबुक, और यही हमारा टारगेट होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस फॉर्मेट को फॉलो करके जो भी आपकी बुक में बैलेंस एज पर कैश बुक से शुरुआत हुई है क्वेश्चंस की, वो सारे क्वेश्चन करने होंगे। इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन भी कराऊंगी जिसमें हम शुरू करेंगे कैश बुक से और पासबुक के बैलेंस तक पहुँचेंगे। इस फॉर्मेट को फॉलो करना, जैसा ये फॉर्मेट है ठीक इसके अपोजिट फॉर्मेट तब बनेगा जब हम पासबुक से शुरू करेंगे और कैश बुक तक हमें पहुंचना होगा। ठीक है,